जाके। ओ चीता जी, ओए, ओ की दीदी, इनको संभालो। ओ चीता जी क्या हो गया? ओए, अच्छा चुप, नहीं, नहीं बोल रहा। ओए, नहीं चुप। जाजी, ओ चीता जी, ओ चीता जी। बस, बहुत हो गया। अच्छा मैं आपका इलाज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप मेरे को मारे जाओगे। जी मैंने किया क्या है? उठ गया ना हाथ। वो तो मेरी मार के डर से अपना हाथ उठाना ही पड़ा ना। बस इसी तरह अपनी मोहब्बत के लिए लड़ना सीखो, मर्द बन के जिंदगी का सामना करना सीखो, अपने और अपने प्रीतों के लिए सबका सामना करना सीखो। ये जो तुम करने जा रहे हो ना, ये बुजदिलों कायर लोग करते हैं। कोई अपनी जिंदगी से इस तरह भागता है। जी, लेकिन मैं लेकिन मैं करने के आया नाटक मत करो। मुझे पता है कि तुम खुदकुशी करने वाले थे। खुदकुशी? इसीलिए आपने मेरी इतनी चित्र परेड कर दी। मुझे मैंने आज तक कभी चिंटी नहीं मारी तो खुदकुशी कहां से करूंगा है? रब्बा, मुझे मैं तो ना ये पक्का ठीक करने आया था जी। और तुम जब पीतो से बात कर रहे थे कि तुम कुछ करने वाले थे उसका? ओए, ओए, जी, वो तो ना मैंने उसको ऐसे इंप्रेस करने के लिए बोल दिया था और यहां बैठा यही सोच रहा था कि सब लोगों को इंप्रेस कैसे करूं, और इतने में ये पक्का खराब हो गया। तो आधा ध्यान पीतो में और आधा ध्यान पक्के में। तो सोचा पहले पक्का ठीक कर लेता हूं, दिमाग ठंडा हो जाएगा फिर तसल्ली से सोचूंगा। तू बिना मामा के चक्कर में आ गया। लकी, जल्दी से नीचे जाओ और सबको कहो कि तुम ठीक हो, क्योंकि मामा ने सबको कहा है कि तुम खुदकुशी करने जा रहे हो। यार ये मामा बिना चीचा जी मेरे डंबल की सो, ये मामा पीटेगा मेरे हाथों से। और जी लव भी कर रखा है इसने मेरा। अब मामा चीचा जी हम लोग नीचे चलते हैं और सबको संभालते हैं। आइए चलो जी। इससे पहले गलतफहमी और बढ़े, इसे ही खत्म कर देना चाहिए। ओए आँखें नहीं तेरी, दिखाई नहीं देता है। सॉरी, अक्कल नहीं तुझे? एक चित्र लगा के दोगी ना तो अक्कल ठिकाने आ जाएगी। लगाओ चित्र, लगाओ। सॉरी, खानू खानी कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। देखिए आपने जो वो उस दुकान पे देखा ना, वो गलत फहमी थी। एक्चुअली मैंने उनका दुपट्टा नहीं छुआ था, वो उनका छोटा बच्चा था। देव जी, I'm really sorry. It's all right. Actually, मैं आपसे वो कह रहा था। क्या कह रहा था मैं? नहीं नहीं देव, आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा वहां क्या हो रहा था। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि पहले हुई गलतफहमियों की वजह से कहीं मैं आपको गलत तो नहीं समझने लगी थी। एक्चुअली वो क्या है ना कि मैं हमेशा कोई गलतफहमी का शिकार हो जाता हूँ। वो एक बार मैं बाजार में ना गलती से लेडीज टॉयलेट में घुस गया। अब वो पंजाबी में लिखा था और मुझे पंजाबी पढ़नी तो आती नहीं, तो ओह माय गॉड, और मुझे लगा था कि आप जानबूझकर। अरे मतलब आप थी वहां पे? अरे तभी तो मैं समझू कि अब... हाँ, और मैंने आपको पहले भी देखा था, याद है जब हम बस स्टैंड पे मिले थे? हाँ। मुझे लगा कि आप लड़की को परेशान करने के लिए जानबूझकर लाइन में घुस गए थे। अच्छा अब समझ में आया कि आप हमेशा मुझसे इतनी नाराज क्यों रहती थी। अरे जीजा जी आप यहाँ कैसे? न,
नंदिनी जी बात क्या है? नहीं नहीं कुछ भी नहीं। अरे जीजा जी आप बर्फ का गोला खाएंगे? नहीं थैंक यू। खा लीजिए। नहीं नहीं गला थोड़ा ठीक नहीं है। खा लीजिए ना। नहीं मेरा गला सच में। हाँ तेजी पुत्र और मैं वकील से मिलके ही आ रही हूँ अभी। तू कह राजा बातें बाद में करेंगे। अरे चल ठीक है। पीजी पीजी वो पीजी वो वो पीजी वो लकी वीरजी लकी वीरजी वो लकी और क्यों है लकी को? मासी वो मामा जी कह रहे थे कि लकी वीरजी खुदकुशी करने जा रहे हैं। पैन पैन आज कड़ी चावल बनाना बड़े दिन हो गए। ओए जुगनू लकी कहाँ है? कहाँ है लकी? ओए लड़के को तूने क्या बोला अभी? की क्या है मैं? मामा जी आप प्लीज फिर से मत भूल जाइए। आपने कहा था ना कि लकी वीर जी खुदकुशी करने की कोशिश कर रहे। लकी खुदकुशी करने जा रहे हैं? कब जा रहा है? अब पैन है बड़ी गलत गल है। लकी खुद की खुशी मनाने जा रहा है। पार्टी शार्टी कर रहा है तो सानू दस्या भी नहीं। मैं भी दो दो घुट पी लेंदा। पर फिटे मुंह तेरे से तो बात करना बेकार है। और गीत पम्मी तुम लोग मेरे साथ चलो और खेतों की तरफ गया होगा। चलो लकी ठीक है। मतलब तो ये नाटक हो रहा था। आज तो हद ही हो गई। मानसिंह तुम लकी तुझे शर्म नहीं आती है सब नाटक करते हुए? जी वो मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। और चुप कर। एक बात नहीं सुननी मैंने तेरी। ये लड़कियां कब से परेशान हो रही है? एक सेकंड के लिए तो मुझे भी लगा था कि कहीं तू पहले क्या कम गैर जिम्मेदार था जो मानसिंह खुराना से नुस्खे सीख रहे हमें परेशान करने के। जी, इसमें जीजा जी का क्या दोष है? अब मुझे तुझसे पूछना पड़ेगा कि किससे कितनी बात करनी चाहिए। बीजी वो तो मैं आपसे खुद ही बात करना चाहता था। प्रीतो के बारे में कुछ? अच्छा लकी उस प्रीतो के बारे में सोचने से पहले खुद पे नजर डाल लेना। तू अभी तक इतना लायक नहीं हुआ है कि किसी लड़की के बारे में सोच सके। बीजी एक बार लकी की बात सुन लीजिए। लकी प्रीतो से प्यार करता है। वो अपनी और प्रीतो की जिंदगी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। बीजी प्रीतो का रिश्ता तय हो गया। गुरु तेरा लाख लाख शुक्र है उस बच्चे की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। और तेरे जैसे निठल्ले के चक्कर में रहती ना तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जानी थी।
के कहने का मतलब है कि वो जो ड्राइवर बलवंत था वो एक्चुअली मां जीजा जी थे, और आप जो जीजा जी थे वो मां जीजा जी के छोटे भाई हैं। जी हाँ। आई कांट बिलीव दिस कि जीजा जी ने सबको यकीन भी दिला दिया कि वो ड्राइवर। सॉरी जी पापा जी। हाँ जी मैं वहां पहुंच जाऊंगा। हाँ बस नंदिनी को घर ड्रॉप करना है उसके बाद। ओके जी। पापा का फोन था तो चलिए आपको देर हो रही होगी ना। चलिए सॉरी वीर जी वो बहुत अर्जेंट काम आ गया इसलिए जाना पड़ रहा है। वैसे आपके साथ बातें करके बहुत मजा आया। जी डेफिनेटली। चले बाय देव। बाय। ये तो बहुत गलत हो गया पापा जी। मासी ने कितना कुछ कह दिया मान को और फिर से सारा इल्जाम मान पर आ गया। मासी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मान की आंखों से लग रहा था कि उन्हें मासी की बातों का बहुत बुरा लगा है। और उसके बाद मुझे एक मिनट भी नहीं मिला कि मैं उनसे जाकर बात कर सकूं। मुझे उनसे बात करनी होगी। मुझे उनसे मिलना है। चले गए शाम के टाइम तो यही बैठे रहते पता नहीं कहाँ चले गए। अब लची तूने मान को कहीं देखा? दीदी क्यों मेरी नौकरी छुड़वाओगे? अगर बीजी ने मेरे मुंह से जीजा जी का नाम भी सुन लिया ना तो मेरी तो नौकरी गई। अरे मान कहाँ गायब हो गए? पूरा घर जानवर कहीं नहीं दिख रहे। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है। पे जाकर देखती हूँ शायद वही होंगे। अगर ये लड़ाई एक बेटी और बीवी के बीच की है तो क्या मैं अपनी बीवी को कभी हारने नहीं दूंगा। खबरदार तुम मेरे घर के मामले में दखल देने की कोशिश भी की थी। जो कुछ भी हो रहा है सब तुम्हारी वजह से। और जब तक तुम इस घर में हो इस घर का माहौल ठीक हो ही नहीं सकता। लकी तू पहले क्या कम गैर जिम्मेदार था जो मान सिंह खुराना से नुस्खे सीख रहे हमें परेशान करने के? और जब तक तुम इस घर में हो इस घर का माहौल ठीक हो ही नहीं सकता। खबरदार तुम मेरे घर के मामले में दखल देने की कोशिश भी की। तू पहले क्या कम गैर जिम्मेदार था? जो कुछ भी हो रहा सब तुम्हारी वजह। जो मान सिंह खुराना से नुस्खे सीख रहे हमें परेशान करने के? इस घर का माहौल ठीक हो ही नहीं सकता।
आपको यहाँ आने के लिए? किसने कहा था आपको यहाँ रुकने के लिए? मना किया था ना मैंने, फिर भी आपने मेरी नहीं मानी। आप यहाँ रुके, अब प्लीज मैं अपने आप पर कुछ समय निकाल। मान सिंह खुराना को हारना या किसी के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं। लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है, यहां ताकत और जबरदस्ती से कुछ नहीं होगा। इन घर वालों को बदलने और तुम्हें यहां से ले जाने के लिए मुझे दूसरा रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। मेरी वजह से तुम यहां आई थी, यहां पे तुम्हारे रुकने का कारण भी मैं ही था, और बस अब और नहीं। जाए और हम अपने घर जा सकें।